31वां श्लोक स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक संख्या 31। ओके, तो अभी आज का कथा तो अभी से चालू होगा, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को पूरा करें, तो अगर थोड़ा समय आगे जाएगा तो देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एनीवे मैं 31वां श्लोक पढ़ता हूँ। तन्माय यादा जनईश यदन्यता शास्त्रितात्मनुबुधा यथा चरित्वा लहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसिना संयुतम्। तो तुम्हारी माया, माया द्वारा अध्ययन निश्चय जना सामान्य ईश है भगवान, विद्वान खंडिता विभक्तिया, क्योंकि अन्य अन्य शास्त्र कामना करते रित वास्तविक आत्मना अपने से अबुधा बिना जाने, यथा जिस प्रकार चरित प्रवृत्त होता है बाल हितम बालक का कल्याण पिता पिता स्वयं स्वयं तथा तथा उसी प्रकार स्वयं आप एव निश्चय हर हसीना सभी मेरे। हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं। और वे क्यों भूल गए हैं? वास्तविक स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, पर इस बात को हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम माया में हैं। और वे अज्ञानवश अब हम इसको भूल गए हैं, तो हमें पता क्या है? गलत असली ज्ञान को भूल गए, गलत ज्ञान मिल गया है। माया का ज्ञान वो क्या है? अज्ञानवश समाज मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते रहे। समाज मित्रता घर गृहस्थी परिवार ये सबसे हमें सुख की इच्छा है, जबकि सुख हमें अज्ञान क्यों है? क्योंकि ये तो सुख मिले दे नहीं सकता हमें, संसार में तो सुख मिल ही नहीं सकता। संसार तो भगवान कृष्ण ने बनाया है और कृष्ण ने इसकी परिभाषा दी है दुखालय। दुखालय में तो दुख मिलेगा, जैसे भोजनालय में भोजन मिलती, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती, दुखालय में दुख मिलेगा। अरे आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए ना कहें। भौतिक चीज तो चाहिए ही नहीं, आप बोलो ही मत की चीज ले लो, ठीक है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा क्या भौतिक चीज मांग लो, नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज ने भी कहा क्या है? आप कह रहे हो कि कांच के टुकड़े मांग लो, मेरे को तो हीरा मिल गया है ना। तो कह रहे हैं कि आप मुझे भगवान किसी तरीके से भौतिक चीजें मांगने के लिए ना कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। पिता बिना मांगे ही अपने बच्चे को सब कुछ दे देता है, तो वैसे ही आप जो मेरे लिए अच्छा हो आप मुझे दे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपको जो अच्छा लगे मेरे को वो दो। अपनी तरफ से नहीं मांगना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बना दो, मेरे को कल्पना चावला बना दो, मेरे को अटल बिहारी बना दो, मेरे को नरेंद्र मोदी बना दो, मेरे को ओबामा बना दो, ये सब नहीं मांगना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो आपको अच्छा लगे कि मेरे लिए अच्छा है वो आप मुझे दे दो। सुपुत्र का कर्तव्य है कि वह बिना कुछ मांगे अपने पिता पर आश्रित रहे। सुपुत्र को विश्वास होता है कि पिता अच्छे से जानता है कि पुत्र को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। इसी प्रकार शुद्ध भक्त भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं करता, नहीं आध्यात्मिक है। जो शुद्ध भक्त है उसको पता है कि भगवान मेरा भला ही करेंगे, तो कुछ मांगता ही नहीं। उसको पता है वो बस भक्ति करता रहता है, सेवा करता रहता है, भगवान क्या मांगना है, भगवान तो अपने आप दे ही रहे थे, जो देंगे अच्छा ही देंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो मांगता कुछ। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित रहता है और भगवान उसका भार ग्रहण करते हैं, जैसा कि भगवान ने कहा है सभी पापों को खत्म कर दूंगा। पिता पुत्र की आवश्यकताओं से परिचित होता है और उनकी पूर्ति करता है। परमेश्वर भी जीवात्माओं की आवश्यकताओं से अनजान रहते हैं, परमेश्वर भी जीवात्माओं की आवश्यकताओं से अनजान रहते हैं और उच्च मात्रा में उनकी पूर्ति करते हैं। भगवान या गलत ऐसा है, भगवान सब भगवान को पता है किसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, सब भगवान टाइम पे आपको मिल जाएगा भगवान के पास, ठीक है। भगवान सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जो भी जिसकी जरूरत के लिए जितना खाना पानी चाहिए देंगे। इसलिए ईश्वर ने सत्य कहते हैं कि संसार में सभी कुछ पूर्ण है, पूर्ण
कठिनाई ये है कि जीवात्मा विस्मरण के कारण बुद्धा की आवश्यकता है उत्पन्न करता है और अपने आप को भौतिक कर्म मान लेता है। परिणाम ये होता है कि जन जन्मांतर कर्म नहीं, क्योंकि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं, इसलिए हम नई नई चीजों की डिमांड करते रहते हैं जिनकी एक्चुअली में जरूरत नहीं। हमको लगता है कि जरूरत है पर एक्चुअली में उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हम उन चीजों को जो चीजें वास्तविक में हमें क्या कृष्ण के दास, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण ने हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम कृष्ण के दास हैं। तो जो दास होता है उसका काम क्या होता है, कृष्ण मालिक की सेवा करना। मालिक कौन है, कृष्ण। हमारा काम क्या हुआ, कृष्ण की सेवा करना। तो अपन को कौन सी चीजों की जरूरत है जो कृष्ण की सेवा के लिए हमें काम आएंगे, उतनी चीजें मिल जाएंगी, भगवान अपने देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम यही भूल जाते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, उसके दास है, तो हमको लगने लगता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही मालिक है, तो फिर अपने लिए बहुत कुछ चाहिए, ये दो वो दो ये दो वो दो। तो इस चक्कर में फिर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, फिर जब काम करेंगे तो इन कर्मों के फलों में फंसेंगे, फिर जन्म जन्म तक जन्म होंगे, मृत्यु होगी, फिर ऐसे जन्म जन्म इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। हमारे समक्ष नाना प्रकार की जीवात्माएं हैं और ध्यान कर्म करती हुई है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य क्या है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें और उन्हें सारा भार संभाले, सब भगवान देख लेंगे। क्योंकि जो हमारे लिए शुभ है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो कौन जानता है, भगवान जानते हैं। भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है वो भगवान हमारे साथ करेंगे। ठीक है, अदा प्रभु महाराज भगवान से कहते हैं कि परम पिता के रूप में जो कुछ के लिए लाभप्रद हो वही पर दें, जो मेरे लिए सही है वो आप अपने आप दे दें। जीवात्मा की यही स्थिति है, इसलिए भगवान से चैतन्य ने अपने शिक्षा में हमें उपदेश दिया है कि न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनी करे भवता भक्ति रहेगी। भाई हे परम शक्तिमान भगवान, मैं ना तो धन संग्रह करना चाहता, न मुझे सुंदर स्त्री का भोग करने की इच्छा है, न और मुझे अनेक अनुयायी चाहिए, मुझे दो जन्म जन्मांतर आपके अहित की भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आपकी सेवा करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, नाम जप करता रहूं, भक्तों की सेवा करता रहूं। तो निष्कर्ष ये निकला कि शुद्ध भक्त को ना तो भक्ति से किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना करनी चाहिए, भक्ति कर रहे हैं तो किसी भी तरह की भौतिक चीज की इच्छा ना करें, ना सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा उसे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। यही जीवन की चरम स्थिति है। जीवन सार्थक क्या होगा, जब हम भगवान की कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहें। मैत्रेय उवाच इत्यादि राजेन्द्रतास विशुद्र तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तुते दृष्टे दृशिधीर मयि ते कृतायया मायां मदीयां करति स्म दुस्तयजाम। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार आदिराजेन आदि राजा प्रभु द्वारा कहा पूजित होकर सा वह भगवान विश्वद्र संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने वाला तम उससे आए कहा राजन हे राजा मई तुमने भक्ति भक्ति अस्तु ऐसा ही हो ते तुम्हारा दृष्टया सौभाग्य से ईदृश इस प्रकार की भी बुद्धि मई मुझमें ते तुम्हारे द्वारा कृता किया जाकर गया जिससे माया माया को मदिया मेरा तरती पार करता है इसमें निश्चय दुष्ट यजाम त्यागने में करे। मैत्री ऋषि ने आगे कहा कि महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया हे राजन तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे, भगवान अब प्रभु महाराज को वरदान दिए रहे। ठीक है, ये 32 से 38 6-7 श्लोकों में भगवान प्रभु महाराज को जो है वरदान देंगे और वहां से चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हे राजा हे राजन तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे, ऐसा भगवान वरदान दे रहे कि निरंतर मेरी भक्ति करते रहोगे ऐसे शुद्ध उपदेश से जिससे कर्म करके कर्म में फंसोगे, माया से निकल नहीं पाओगे, भक्ति करने से माया से निकलोगे।
इससे पार पाने का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, माया में तम तरन, जो मेरे पास आएगा मेरी भक्ति करेगा वही माया से बाहर निकलेगा, सीधा साधा हिसाब है। ठीक है, यदि कोई भव सागर को पार करना चाहता है तो भक्ति के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए भक्त चाहे तो स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, उसे किसी भी कभी भी किसी भी भौतिक पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कोई मेरे को संसार में कोई चीज नहीं चाहिए, जब तक इस संसार की किसी एक चीज, एक व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज की इच्छा रहेगी हमें संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। साफ बता दिया है, जब तक हमारे अंदर एक छोटी सी भी इच्छा है, भले इच्छा हो कि आम खाना है, कोई छोटी से छोटी इच्छा भी है इस संसार से रिलेटेड, तो हम यहीं रहेंगे। सीधा बात, एक भी इच्छा यहाँ की ना हो, इतना ही नहीं यहाँ की एक भी इच्छा ना हो, वैकुंठ की, गोलोक की इच्छाएं बहुत, तो निकलेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं जो इच्छा करोगे वो मैं तुम्हारे लिए बना, जो भौतिक जगत की इच्छाएं करेगा वही भटकता रहेगा, जो आध्यात्मिक जगत की इच्छाएं करेगा वहां निकलेगा। ठीक है ना, तो शुद्ध भक्त को जो है कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि वही उसकी वास्तविक युक्ति है, वही उसकी वास्तविक वृत्ति है, वृत्ति मन उसका नेचर है। इसी स्थिति में पांच जमाकर प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाई जा सकती है। तत्वम कुरु मयादिष्टम प्रवत्ता प्रजापते मदादेश करो लोका सर्वत्राप्नोति शोक तथा अतः तुम कुरु करो मया मेरे द्वारा अधिष्ठम आज्ञा प्रजापते हे पिता के साथ मत मेरा आदेश कर आज्ञा पालन कोई व्यक्ति सर्व सभी जगह प्राप्त करता है शोभनम मंगल। आगे भगवान कह रहे हैं कि प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी रखना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उनका सभी सर्वत्र मंगल होता है। धार्मिक जीवन का सार क्या, भक्ति का, धर्म का सार क्या है? धर्म का सार है कि भगवान के आदेशों का पालन करना, और जो ऐसा करता है वो पूर्ण रूप से धार्मिक है। धर्मम साक्षात तत्वत परिणतम, धर्म क्या है? जो भगवान बोले वही धर्म है, भगवान कह रहे ये करो वही धर्म, अपने हिसाब से धर्म नहीं बनाना है, जो भगवान बोले वो धर्म है। भगवान क्या बोलते हैं, जो गीता में लिखा है, गीता में क्या लिखा है, सर्वधर्माणि वृत्तये। ठीक है, तो भगवान गीता में, अब धर्म क्या है जो भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं वो भगवत गीता में बताया। भगवत गीता भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्ता, कल बताया था ना डिटेल, मन मना भव मद भक्ता, सदैव ही मेरा चिंतन करो, मेरे भक्तों मन मन में लगाओ। और आगे क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सभी प्रकार की भौतिक व्यवस्थाओं व्यस्तताओं को त्याग कर मेरे शरणागत हो जाओ। एक महाराज हमारे, वो कहते हैं कि काम की वजह से व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा है। काम तो कुछ तो काम है, कुछ के पास काम है, माने काम वासना, काम वासना के चक्कर में वो भगवान के पास नहीं जा पा रहा है। और कुछ के पास बहुत काम है, ऑफिस का काम, घर का काम, ये काम वो काम, कहते ना अरे बहुत काम है यार, है ना, तो ये काम के चक्कर में राम को भूले जा रहे हैं लोग। और जब तक राम को नहीं याद करेंगे काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो जो राम का नाम लेगा उसी का काम हर बार बनेगा, और जो राम को भूलेगा उसका काम नहीं बनेगा, और उसी काम के चक्कर में राम को भूले पड़े हैं। ठीक है, तो जो राम को भूल जाएगा उसका काम खराब हो जाएगा, या फिर ऐसा कहते हो जो राम को भूलेगा उसका काम हो जाएगा, जितना उसका काम हो गया माने नरक में निकलेगा वो सीधे। ठीक है, तो धर्म का यही मूल सिद्धांत है कि जो भगवान कह रहे हैं उसको करो, भगवान कह रहे हैं गीता में मन मनाओ मत भक्त। ठीक है, जो कोई भी भगवान के इस आदेश का पालन करता है वो वास्तव में धार्मिक पुरुष है, अन्य सभी को वंचक कहा गया है, क्योंकि धर्म के नाम पर ना जाने कितने प्रकार के कार्य दुनिया भर में चल रहे हैं जो वास्तव में धर्म में धार्मिक नहीं है। कितने
चीजें बताई जा रही हैं धर्म के नाम पे, इतनी कि आदमी को फुर्सत नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है, मतलब क्या क्या करे आदमी, इतनी पूजा, इतनी व्रत, ये दे वो दे, मरा जा रहा है ना। हिंदुओं के पास एक कैलेंडर आता है, ठीक है, कहीं अलग अलग ऐसे आता है ना, 12 पन्ने का कैलेंडर, जनवरी फरवरी, तो क्या क्या नहीं लिखा रहता उसमें, मतलब उतना पढ़ने का समय नहीं है तो करने का समय कहाँ से है। भगवान को तो बात पता थी पहले से, इसलिए भगवान ने सिंपल शॉर्टकट में बताया, भैया सर्वधर्मान पर सब छोड़ दो, जो कुछ भी तुम्हारे इसमें पंचांग में लिखा है सब छोड़ दो, सीधे मन मनावो मत भक्ता सततम कीर्तन तो हाँ भजन करो बस। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, गीता जो कहती है उसका कर लो बस, किंतु जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता उसका कभी भी मंगल नहीं होगा, वो ऐसी जिंदगी में बर्बाद करेगा। ठीक है, मैत्रेय वाचा इति वैनस्य राजर्षे प्रतिनंद्यार्थवत् वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुम चक्रे अच्युतो मतिम्। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा इस प्रकार वैनस्य राजा वैनगुप्त महाराज का राजर्षि का आदर्श का आदर करके अर्थवत् वचः सारगर्भित प्रार्थना पूजित पूजित होकर अनुग्रहित अनुग्रह जताकर एनम राजा बंधु गंतुम उस स्थान से जाने के लिए चक्रीय निश्चय किया, जुदा भूल ना करने वाले अर्थात अचूक भगवान मतिम मैत्रेय मैत्रेय ऋषि ने आगे विदुर से कहा कि भगवान ने महाराज बंधु द्वारा की गई सारगर्भित प्रार्थना की बोली बोली प्रसन्नता की, भगवान ने खूब प्रशंसा करी, बहुत अच्छी आपने स्तुति करी और बहुत अच्छा वरदान मांगा। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर। ठीक है, इसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया और बोले अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, इस श्लोक के सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्रतिनंद्यार्थवत् वचः, जिनका अर्थ भगवान ने राजा द्वारा की गई सार्थक प्रार्थना की प्रशंसा की, प्रसून महाराज ने जो कुछ बोला उसकी भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे। तो जब भगवान जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो वह भौतिक लाभ की आशा ना करे, मानता है वह प्रार्थना करता है कि जन्म जन्मांतर भगवान के चरणों की सेवा करता रहे। इसलिए भगवान चैतन्य ने मम जन्मनी जन्मनी शब्दों का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है जन्म जन्मांतर, क्योंकि भक्त ये भी नहीं चाहता कि जन्म के चक्कर कटे। भक्त जो जब बिल्कुल भक्ति में आगे बढ़ता तो हमको ये भी नहीं पता, हम कुछ नहीं चाहिए, चाहे स्वर्ग में भेजो चाहे नरक में भेजो चाहे कहीं भेजो चाहे भगवान में भेजो चाहे गोलोक भेजो, पर एक ही भक्त एक ही चीज मानता है, वो क्या मानता है भगवान की सेवा मिलनी चाहिए, नरक में मिले तो सही है, स्वर्ग में मिले तो सही है, वो लोग मिले तो सही है, चाहिए क्या सेवा, सेवा नहीं मिल रही तो स्वर्ग का क्या करें। इसलिए तो भक्त वहां पे ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहता, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में तो वो कहता है इससे अच्छा नरक भेज तो कम से कम सेवा तो करने दो, तो ब्रह्म में मिल जाऊंगा तो फिर कहां सेवा ही नहीं कर पाऊंगा कृष्ण की, क्या फायदा। ठीक है, तो कृष्ण की सेवा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भक्त जगत में एक जन्म के बाद प्रकट होते रहते हैं कि कैसे जन्म दिव्य हो, तो भक्त जन्म लेगा हो सकता है अगली बार लेकिन दिव्य जन्म होगा, उसको फिर सब चीजें परेशान नहीं करेगी। तो भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि उनके तथा अर्जुन दोनों ही के इसके पूर्व अनेक जन्म हो चुके, भगवान को तो इन जन्मों का स्मरण है कि अर्जुन इन्हें भूल चुका है, भगवान तथा उनके विश्वास पात्र भक्त भगवान के संतोष पूरा करने के उद्देश्य से कई बार प्रकट होते हैं कि जन्म दिव्य होते हैं, कहलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त का दोबारा जन्म नहीं होगा, भक्त भी दोबारा जन्म ले सकता है, क्यों, प्रचार करने के लिए और लोगों को भक्त बनाने के लिए, लेकिन जब वो भक्त दोबारा जन्म लेगा तो वो एक भौतिक चीजों के कष्टों के ऊपर रहेगा, दिन पे पद पर रहेगा, हम लोग तो 3 गुणों के अंदर है वो 3 गुणों के बाहर ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि जेल के अंदर कभी प्रधानमंत्री आ जाता है देखने के लिए जेल में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कभी कभी अपने किसी आदमी को भेजता है कि जाओ वही देखता है जेल में सब चल रहा है। तो जेल में अंदर अगर कोई आया देखने, इसका मतलब थोड़ी कि जो कैदी खाना खाते हैं वो भी खाएगा, कैदी को 4 डंडे रोज पड़ते तो वो जो बेचारा ऑफिसर आया उसको भी पड़ेंगे, नहीं वो तो जेल ऊपर है ना, वो ऐसा ही है। ठीक है, तो मनुष्य को भगवान तथा भक्ति दिव्य जन्म के विषय में जानना चाहिए, भगवान द्वारा जन्म ग्रहण करने का उद्देश्य भक्ति की स्थापना करना होता है जो धर्म की पूर्ण पद्धति है, और भक्त का जन्म भक्ति संप्रदाय को सारे विश्व में प्रचारित करने के लिए होता है, किसलिए प्रचार करने के लिए, भक्त बार बार आएंगे, भक्त का जन्म होता है विश्व में भक्ति का प्रचार करने के लिए, गुरु महाराज भक्ति संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए भगवान की शक्ति के अवतार थे,
और भगवान उन्हें इसी पद पर बने रहने का वरदान दिए। अतः जब राजा ने किसी प्रकार का भौतिक वर प्राप्त करना न कर दिया तो भगवान इससे और ज्यादा प्रसन्न हो गए। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द है अच्युत, जिसका अर्थ है अमोघ या अचूक। भगवान यद्यपि जगत में प्रकट होते हैं किंतु उन्हें बद्धजीव कभी नहीं माना जाता, जो कि पतनशील है। भगवान का पतन नहीं होता। जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होकर अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। ये चीज कई बार आ चुकी है, इसलिए भगवद गीता में अपने प्राकृतिक गुणों को आत्ममाया अर्थात अंतरंगा शक्ति से संपन्न मानते हैं। भगवान अच्युत होने के कारण इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए भौतिक प्रकृति द्वारा बात नहीं किए जाते है ना। जैसे एक जीवात्मा को प्रकृति बाध्य कर देगी, उसके कर्म के हिसाब से उसको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान को नहीं है ऐसा। भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं नहीं आएंगे। ठीक है, वे तो धर्म की स्थापना करने और मानव समाज में आसुरी असुरों के प्रभाव को खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। भगवान को कोई नहीं कह सकता भैया समय हो गया अवतार ले लो। भगवान को इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं सब भगवान अपने आप में महान है। ठीक है, देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा किन्नर अप्सरसो मृत्या खगा भूतान्येन केशा यज्ञे अश्वरत्या राज्ञा वाग्य वित्तांजलि भक्तिता सवाजिता ययु सर्वे वैकुंठानुगतास्ता। देव देवता ऋषि ऋषिगण पितृ पितृलोक के वासी, गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, सिद्ध सिद्ध लोक के वासी, चारण चारण लोक के वासी, पन्नगा सर्प लोक के वासी, किन्नर किन्नर लोक के वासी, अप्सरसा अप्सरा लोक के वासी, मृत्या पृथ्वी के वासी, खगा पक्षी भूतानी अन्य जीवात्माएं, अनेकशा अनेक यज्ञ ईश्वर दिया अपने को परमेश्वर का अंश मानने वाली बुद्धि से राज्ञा राजा द्वारा वाक्ति भक्तिभाव से सभाजिता भली भांति पूजित ययु चले गए सर्वे सभी वैकुंठ भगवान विष्णु तथा वहां। राजा प्रभु ने देवताओं ऋषियों पितृलोक गंधर्वलोक सिद्धलोक चारणलोक पन्नगलोक किन्नरलोक अप्सरालोक और पृथ्वीलोक और पक्षियों के लोक के वासियों की पूजा की। सभी लोग आए थे ना, आपने देखा था सब लोग आए थे यज्ञ में। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अनेक अन्य जीवों की पूजा की। उन्होंने सबकी तथा भगवान के पास मधुर वचन तथा यथासंभव के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोगों को चले गए। भगवान विष्णु गए, सब लोग अपने अपने लोग को चले गए जो जहाँ से आया था। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक समाज में यह विचार फैला हुआ है कि अन्य लोगों में जीवन नहीं है। ये बात भी दोबारा से आ रही है, केवल पृथ्वी लोक में ही बुद्धि तथा वैज्ञानिक ज्ञान वाले प्राणी विद्वान है। कुछ लोगों को लगता है खाली पृथ्वी पे जीवन है बुद्धिमान लोग, बाकी लोगों में जीवन नहीं है। किंतु वैदिक साहित्य इस पूर्व का पूर्ण सिद्धांत को नहीं मानता। वैदिक ज्ञान के मानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि और भी कई लोक हैं और उन लोकों में कई तरह के जीव हैं, जैसे कि देवता ऋषि पितृगण गंधर्व पन्नग किन्नर चारण सिद्ध अप्सराएं, ये सब दूसरे लोगों में रहते हैं। भागवत में बताया जा रहा है बिल्कुल साफ, हमें इस पर विश्वास है। वेद बताते हैं कि सभी लोगों में इसी आकाश में नहीं बल्कि आध्यात्मिक आकाश में भी नाना प्रकार के जीव वास करते हैं। यद्यपि सारे जीव एक ही दिव्य प्रकृति वाले और भगवान के ही समान भौतिक गुण वाले हैं, वे आठ तत्वों क्षिति जल पावक गगन संग्रह मन बुद्धि और अहंकार के शरीर धारण करते हैं, किंतु आध्यात्मिक लोक में देह और देही में ऐसा कोई भेद नहीं होता। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, हम शरीर के अंदर हैं। जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ये शरीर छूट जाएगा और हम अपने स्वरूप में ओरिजिनल रूप में वहां जाएंगे। वहां पे फिर ऐसा नहीं होगा कि एक और शरीर है, ऐसा वहां नहीं होता। हम हैं, बस हम हैं, कोई शरीर नहीं है। इसका मतलब है कि हाथ पैर नहीं होंगे क्या? हाथ पैर होंगे पर वो सब दिव्य होंगे, है ना। हाथ पैर होंगे, मुंह होगा, आप गुलाब जामुन खा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे सब कुछ होगा, लेकिन वो जो शरीर होगा ना वो ये आठ तत्वों का नहीं होगा। धरती पांच तत्व का या मन बुद्धि अहंकार मन, ये सब नहीं होंगे। धरती आकाश छत जल पावक गगन समीरा इनका नहीं होगा, ठीक है। वो होगा सच्चिदानंद रूप, ठीक है। लेकिन क्या वो सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद रूप जैसा होगा? नहीं, वो तो भगवान तो सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन जीवात्मा भगवान का दास ही बना रहे, ठीक है। मिक्स नहीं होगा वहां पे भी अलग अलग रहेंगे। वो भगवान है, ये दास है, दास भगवान की सेवा करें, ठीक है।
तो देह और देही का कोई फर्क नहीं, आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं, आध्यात्मिक जगत। ठीक है, तो भौतिक संसार में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरधारियों में रूपों और आकारों से भेद प्रकट होते हैं। हमें वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के लोकों में मिलने वाले जीव है। पृथ्वी भूर्लोक का एक ग्रह है, भूर्लोक के ऊपर 6 अन्य लोक हैं और इसी तरह इसके नीचे भी 7 लोक हैं। यह समस्त तो भू भुरवा हुआ ऐसे बोलते हैं ना, तो 3 लोक हुए, भू भुरवा भुर, तो ये जो बीच वाला है वो भूर्लोक है। तो भूर्लोक में पृथ्वी एक ग्रह है, भूर्लोक को पृथ्वी नहीं मानना है, भूर्लोक में एक ग्रह है जिसका नाम है। ठीक है, इसके नीचे 7 लोक है, ऊपर 6 लोक। अतः ये समस्त ब्रह्मांड चतुर्दश भुवन कहलाता है, 14 भुवन है ना। तो 7 नीचे, 6 ऊपर और 1 बीच में, 14 हो गए, जिससे सो ये पता चलता है कि 14 विभिन्न लोक हैं। ठीक है, भौतिक आकाश से पूरे, भौतिक आकाश से परे एक दूसरा आकाश है ना, भौतिक आध्यात्मिक, जिसे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, जहाँ आध्यात्मिक चिन्मय लोक है। इन लोकों के वासी भगवान की नाना प्रकार से प्रेमा भक्ति करते हैं। आध्यात्मिक लोक में जो लोग हैं वो सब भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, और वो प्रेम भक्ति कैसे करते हैं, कई तरह के भाव हैं, जैसे कि दास्य भाव माने सर्वेंट, दास के जैसे, सख्य भाव माने दोस्तों के जैसे भगवान से प्रेम करना, वात्सल्य भाव माने कि भगवान से अपने बेटे के जैसे प्रेम करना, माधुर्य भाव माने कि भगवान से अपने पति के रूप में प्रेम करना तथा या अपने प्रेमी के रूप में प्रेम करना। तो इन सबसे ऊपर है परकीय भाव। ठीक है, तो सबसे ऊपर है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में 2 है, स्वकीय परकीय। परकीय भाव कृष्ण के वास स्थान कृष्ण लोक में प्रचलित है, यह लोक गोलोक वृंदावन भी कहलाता है। तो परकीय भाव कहाँ है, गोलोक वृंदावन में। तथा यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर वास करते हैं, तो भी वे लाखों करोड़ों रूप में अपना विस्तार करते हैं, अपने इन्हीं के रूप में वे इस धरा के स्थान। तो मैंने बताया ना आपको, दास माने दास के जैसे मैं भगवान का दास हूँ, सख माने भगवान का फ्रेंड हूँ, वात्सल्य माने मैं भगवान का माता पिता के रूप में प्रेम करना, और माधुर्य माने भगवान के प्रेमी के रूप में। तो उसमें 2 बताया, स्वकीय परकीय, परकीय को श्रेष्ठ बताया। स्वकीय माने कि जैसे भगवान और उनकी पत्नी है ना, स्वकीय, और परकीय माने भगवान और राधा रानी। ठीक है, इसे कहते हैं परकीय। राधा रानी और कृष्ण के बीच परकीय भाव है, क्योंकि राधा रानी के साथ ही तो दूसरी जगह हुई है, लेकिन वो तो प्रेम कृष्ण। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में वास करते हैं, और वो अपने लाखों करोड़ों रूपों में अपना विस्तार भी कर सकते हैं, अपने इन्हीं एक रूप में वे, अपने इसी एक रूप में वे इस धरती पर विशेष स्थान जो वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, जहाँ वे पर व्योम स्थित गोलोक आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन है, वहां की जो मूल लीलाएं हैं उनको यहाँ भौतिक भूलोक के वृंदावन में करके, भूलोक के वृंदावन की लीलाएं भूलोक के वृंदावन में भगवान करते हैं। क्यों करते हैं, बद्ध जीवों को भगवान के धाम, वहां की लीलाएं यहाँ दिखाएंगे, तो यहाँ के लोग आकर्षित होकर वहां जाने की इच्छा करेंगे, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। भगवान अपि राजर्षे सुपध्यायस्य चाच्युतः हरिण्यमनुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यता। भगवान भगवान अभी भी राजर्षि, राजर्षि का सा उपाध्याय से अन्य समस्त पुरोहितों से चा भी अच्छा भगवान भी जीव निसंदेह मना मन अवश्य उसका स्वधाम अपने धाम को प्रत्यपत्त लौट गए। राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान पर अपने धाम वापस चले गए, क्योंकि भगवान सर्व आत्मा है, अतः वे अपना शरीर बदले बिना पर से नीचे आ सकते हैं, इसलिए वे अच्युत अथवा अचूत कहलाते हैं। जब जीवात्मा इस संसार में आ गिरता है तो उसे भौतिक शरीर धारण करना होता है। जीव आएगा तो भौतिक शरीर लेना पड़ेगा, भगवान आएंगे तो उनको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान है और वह भौतिक शरीर में अच्युत नहीं कहला सकता। भगवान अच्युत है, जीव अच्युत नहीं है, क्योंकि वह भगवान की सेवा कार्य के पद से नीचे पतित होता है, अर्थात जीव भौतिक अवस्थाओं से छूटने के लिए उसका अथवा उसका आनंद उठाने के प्रयास में भौतिक शरीर ग्रहण करता है। अतापदक जीवात्मा अच्युत है और भगवान अच्युत है ना, माने अच्युत माने जो कभी नहीं गिरेगा, अच्युत माने जो गिर सकता है। भगवान सबों के लिए मनमोहक थे, केवल राजा ही नहीं
अभी तो उनके पुरोहितों के लिए भी जो वैदिक कर्म कांडों के अत्यधिक आदि थे, सर्व मोहक होने के कारण भगवान को कृष्ण अर्थात सबको आकृष्ट करने वाला कहा जाता है। भगवान का सबसे प्रमुख नाम है कृष्ण, क्योंकि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। महाराज प्रभु के यज्ञ स्थल में भगवान क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के 100 आंख हैं, 4 हाथ वाले क्षीरोदक्षायी विष्णु। तो वे कारणोदक्षायी विष्णु के द्वितीय अवतार हैं और जो भौतिक सृष्टि के मूल हैं और गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षायी विष्णु उन पुरुषों में से एक है जो प्रकृति के भौतिक गुणों को अपने वश में रखते हैं। ठीक है, 3 तरह के विष्णु है, महाविष्णु यानी कारणोदक्षायी विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षायी विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षायी विष्णु। तो कारणोदक्षायी विष्णु जो है भौतिक जगत की आत्मा के स्वरूप में, फिर जो गर्भोदक्षायी विष्णु है वो ब्रह्मांड की आत्मा स्वरूप है, और उस ब्रह्मांड में हर कण कण में हर जीवात्मा के हृदय में जो जाते हैं वो है क्षीरोदक्षायी विष्णु परमात्मा के रूप में। ओके, अदृष्टाय नमस्कृत्य निर्पह संदर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरम ययो। अदृष्टाय, जो दृष्टि से नहीं देखा जा सकता उसको नमस्कार करके निर्पह राजा संदर्शित अभिव्यक्त प्रकट आत्मने परमात्मा को, अव्यक्ताय जो भौतिक जगत प्रकट ना हो सके, चा भी देवानां देवताओं के देवाय परमेश्वर को स्वपुरम अपने घर को ययो लौट गए। उसके बाद राजा प्रभु ने समस्त देवों के परम धाम भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने महाराज के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। वैसे तो भगवान को कोई नहीं देख सकता, पर फिर भी उन्होंने पृथ्वी महाराज के सामने अपने आप को प्रकट किया कृपा करके, जैसे अर्जुन के सामने कृपा करके किया। तो अपने आप हम नहीं, भगवान को, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे दर्शन दो, भगवान कृपा करेंगे तो दर्शन देंगे। तो भगवान को नमस्कार करके राजा भी अपने घर को चले गए। तो जब तक भगवान जा रहे थे तो उनको देखते ही रहे वो, तो परमेश्वर भौतिक आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, किंतु जब भौतिक इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति लगी होती हैं और इस प्रकार पवित्र हो जाती हैं तो भगवान सदा भक्ति को प्रकट करते हैं, अव्यक्त करते हैं, अप्रकट। यद्यपि ये संसार भगवान की ही सृष्टि है किंतु वह आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, किंतु महाराज पृथु ने अपनी शुद्ध भक्ति से आत्म दृष्टि विकसित कर ली थी, अतः यहाँ परमेश्वर को संदर्शित आत्मा कहा गया है, क्योंकि सामान्य नेत्रों के अदृश्य कर भी वे दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत महाराज प्रभु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु के यज्ञ में भगवान महाराज प्रभु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट नामक 20वें अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान को ऐसे नहीं देख सकते आसानी से, तो जैसे आंख में कुछ धुंधला धुंधला हो तो काजल लगा लेने से थोड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से भगवान का दर्शन करने के लिए आंख में एक स्पेशल काजल लगाना पड़ता है। स्पेशल काजल कौन सा है? प्रेमांजन छ्रित भक्ति विलोचनेना। अंजन, अंजन माने होता है काजल। कौन सा अंजन? प्रेम का अंजन। प्रेमांजन छ्रित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदय। तो कैसे है, भगवान को देखने के लिए संत लोग अपनी आंखों में प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी काजल को लगा लेते हैं, और वो काजल लगाने से, कौन सा काजल? कृष्ण प्रेम रूपी काजल लगाने के बाद भगवान को दिख जाते हैं। वही यहाँ पर प्रभु महाराज के साथ हुआ, उनको भगवान इसलिए दिख गए, ठीक है। एक और बात यहाँ पे है कि जो ये बताया ना 5 तरह के भाव, दास्य भाव, साख्य भाव और वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, शांत, तो ये जो 4 भाव बताए हैं यहाँ पे, एक 5वां होता है शांत भाव। तो अभी हमें नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं तो भगवान का प्रेमी बन गया हूँ या मैं भगवान का सखा बन गया हूँ, तो कल से भगवान के गले में हाथ मंदिर में गए। एक बार ऐसा हुआ, एक मंदिर में कुछ समय के लिए पुजारी इधर उधर कहीं गए होंगे बेचारे, हैं, तो एक भक्त कहीं से तो आया, उसको पता नहीं, उसने देखा तो कृष्ण भगवान, कृष्ण बलराम मंदिर में से खड़े हुए हैं ना, तो वो अंदर चला गया, हैं, अंदर जाके और वो कृष्ण बलराम, कृष्ण खड़े रहते हैं ऐसे, बांसुरी में बलराम जी खड़े हैं ऐसे, और वो जाके दूसरे साइड कृष्ण के ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, और ऐसे सेल्फी ले रहा है, नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग साधना भक्ति के हैं, अभी हमको पहले देखना है कि हम क्या 16 माला कर पा रहे हैं, भगवान का नाम जप करने में कितनी रुचि है, भक्तों की सेवा करने में कितनी रुचि है, कथा सुनने में कितनी रुचि है, क्या 24 घंटे कथा सुन सकते हैं, 24 घंटे नाम जप कर सकते हैं, 24 घंटे पूरे 7 दिन 1 महीने पूरी साल लगातार, है ना। तो
इस तरह से हमें अपने आप को पहचान करनी चाहिए, क्या हमारा भौतिक चीजों से लगाव कम हो गया, तब हमें आगे की चीजें पता चलेंगे, वो भी कब, जब गुरु का आश्रय मिलेगा, गुरु बताएगा। ठीक है, तो जब तक हमारी दीक्षा नहीं हो गई तब तक तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई। दीक्षा माने क्या, भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत होती है दीक्षा के बाद, उसके पहले क्या हो रहा है, फिर क्या कर रहे हैं। तो जैसे किसी को IIT में एडमिशन लेना है या किसी बड़े यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो उसके पहले बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा निकालने के लिए। तो प्रवेश परीक्षा में पास हो जाने के बाद, एंट्रेंस में पास हो जाने के बाद, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, फिर वहां पे पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर डिग्री, ठीक है ना। तो दीक्षा होना माने प्रवेश परीक्षा होना, ठीक है। तो भक्ति में प्रवेश लेने के लिए, यानी कि भक्ति सीखने का जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी, वही एडमिशन है। तो उसके पहले, दीक्षा के पहले जो करते हैं वो प्रवेश परीक्षा की तैयारी, एंट्रेंस की प्रिपरेशन जैसा है, ठीक है। तो उसके बाद आप दीक्षा लेके फिर भक्ति शुरू होगी। तो जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक तो भूल जाओ कि ऐसा कुछ होगा। तो दीक्षा होने के बाद हम भक्ति करते हैं, अंदर जाते हैं, उसी को, उसी यूनिवर्सिटी का नाम है इस्कॉन, एक तरीके से आप समझ सकते हैं इस्कॉन या ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, श्री प्रभुपाद की जय। 20वां अध्याय हो गया, कल से हम 21वां अध्याय करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, एक मिनट बाकी है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप क्विकली पूछ सकते हैं, एक मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये 33 श्लोक है ना, उसमें ये दिखा बताया गया कि अन्य सबों को वंचक कहा गया है, क्या अन्य सबों को वंचक कहा गया है? कौन से श्लोक में? 33 कौन सा? 33, हाँ जी, ये लिखा है ना, भगवान के ऐसे आदेश का पालन करता है वह वास्तव में धार्मिक पुरुष है, अन्य सबों को वंचक कहा गया है। अच्छा, जो कोई भगवान के ऐसे आदेश का पालन करता है वो वास्तव में, बाकी सब लोग वंचक है, माने फालतू है, बकवास है, छोड़ दो आप, ठीक है। अच्छा, वंचक, धोखेबाज, धोखा देने वाले, धर्म के नाम पे हमको धोखा दे रहे हैं, हमको चीटिंग कर रहे हैं, हमसे पैसा खींच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे बोला गया, ठीक है, ठीक है।